तो आज है मेरे पास नॉइस बर्ड्स VS303। काफ़ी लेट कर दिया फ्लिपकार्ट ने इसको डिलीवर करने में, बट फाइनली ये हम लोग के पास आ चुका है। सबसे पहले तो आप इसकी क्विक अनबॉक्सिंग देख लो, उसके बाद मैं सारी बातें बताऊंगा। सो हे गाइज, मेरा नाम है सुब्रतो, आप देख रहे हैं कस्टम टेक रिव्यूज, लेट्स बिगिन द वीडियो। तो सबसे पहले आप लोग को यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कुछ इस तरह के बॉक्स पैकेजिंग देखने को मिल जाती है, और पीछे की तरफ आप लोगों को कुछ हाइलाइट्स मेंशन करे गए हैं जो इसके फीचर्स हैं, इसके बारे में मैं वीडियो में आगे बात करूँगा। सो सबसे पहले इसको ओपन कर लेते हैं। कुछ इस तरीके से यहाँ पे ये ओपन हो जाते हैं। तो सबसे पहले आप लोग को एक स्टिकर्स वाले पेपर देखने को मिल जाएंगे, इसमें बेसिकली स्टिकर्स है कुछ नॉइस की तरफ से एक देखने को मिल जाता है। तो सबसे पहले इसको हटाते हैं और इसके अंदर आप लोग को नॉइस बर्ड्स VS303 देखने को मिल जाता है। इसको भी थोड़ी देर के लिए साइड में रखते हैं। सो यहाँ पे आप लोग को एक छोटी सी पैकेजिंग देखने को मिल जाती है, जिसके अंदर आप लोग को टाइप सी केबल देखने को मिल जाता है, और साथ ही इसमें आप लोग को कुछ एक्स्ट्रा एयर टिप्स देखने को मिल जाते हैं, और इसमें आप लोग को एक वेलकम कार्ड देखने को मिल जाता है, और एक कार्ड देखने को मिल जाता है। इसमें लिखा गया कि आप लोग किस तरह से इसको सेटअप कर सकते हो, मैं वीडियो में आगे बताऊंगा इसके बारे में। और यहाँ पे आप लोग को एक क्विक मैनुअल देखने को मिल जाता है, जिसको आप लोग पढ़ सकते हो अगर चाहो तो। एयरबड्स की तरफ आए तो आप लोग को यहाँ पे जो केस की क्वालिटी है वो ग्लॉसी देखने को मिल जाती है, और ग्लॉसी होने के कारण इसमें मैं अभी से स्क्रैचेस कुछ देख पा रहा हूँ, जो काफ़ी जल्दी से ये ग्रैब कर लेता है स्क्रैचेस। और अगर इसको ओपन करके दिखाओ तो यहाँ पे एयरबड्स रखे गए हैं, और एयरबड्स स्टेम डिज़ाइन के साथ आता है बेसिकली। सो यस, काफ़ी अच्छी पैकेजिंग मुझे देखने को मिली। सबसे पहले यहाँ पे मैं बात करना चाहूँगा इसके बिल्ट और डिज़ाइन के बारे में। तो बिल्ट इसका पूरा पॉलीकार्बोनेट का आप लोगों को देखने को मिल जाता है, और साथ ही इसमें ग्लॉसी फिनिश होने के कारण काफ़ी ज़्यादा ये स्क्रैचेस अभी से ग्रैब कर रहा है, और मैंने जिसे ही इसको अनबॉक्स किया था तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मुझे स्क्रैचेस देखने को मिले। और इसके हिंज की बात करूँ तो बिल्कुल एवरेज सी लगी मुझे इसके हिंज, उतना सेटिस्फाइंग नहीं लगता, बट काफ़ी अच्छा हिंज आप लोगों को देखने को मिल जाता है। बट यहाँ पे मुझे और एक दिक्कत वाली बात लगी, जो कि यहाँ पे मैं कहना चाहूँगा, अगर आप लोग इसे कुछ इस तरीके से हिलाते हो तो यहाँ अंदर से आवाज़ आती है, मतलब यहाँ पे जो मैग्नेटिक पिंस दिए गए हैं अंदर में वो उतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग देखने को नहीं मिलते। अगर आप लोग इसे कुछ इस तरीके से करोगे तो यहाँ पे एयरबड्स निकल सकते हैं, अगर आप लोग ज़ोर से इसको हिलाते हो तो यहाँ पे एयरबड्स निकल सकते हैं, तो इस चीज़ का भी आप लोग ध्यान देना। एंड यहाँ पे एयरबड्स की बिल्ड की क्वालिटी की बात करें तो बिल्कुल अच्छी देखने को मिल जाती है, बट बाहर की तरफ इसमें सेम ग्लॉसी फिनिश देखने को मिल जाता है। इस वाले पार्ट पे यहाँ पे नॉइस की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है, साथ ही इसमें आप लोग टच कंट्रोल्स देखने को मिल जाते हैं, और अंदर की तरफ आप लोग को मैट फिनिश थोड़ा सा प्रोवाइड करा गया है कहीं ना कहीं। और इसका जो डिज़ाइन है काफ़ी ज़्यादा मुझे अच्छा लगा, फिटिंग के अनुसार काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहता है ये। जैसे मैं इसको अपने कान में कुछ इस तरीके से यूज़ कर रहा हूँ तो इसमें काफ़ी ज़्यादा मेरे हाथ के जो फिंगरप्रिंट्स है वो जल्दी ये ग्रैप कर रहा है, और अभी तक तो इसमें स्क्रैचेस देखने को नहीं मिले, तो ये काफ़ी एक अच्छी चीज़ है, बट इन फ्यूचर हो सकता है कि इसमें स्क्रैचेस आ जाए। तो अभी के लिए अगर मैं फिटिंग की बात करूँ तो फिटिंग मुझे काफ़ी ज़्यादा इसकी पसंद आई है, काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है ये कानों में, आप लोगों को कुछ इस तरीके से यहाँ पे फिट हो जाती है, आप लोग देख सकते हो। एंड गाइस, यहाँ पे मैं कनेक्टिविटी की बात करूँ तो इसमें आप लोग को ब्लूटूथ वर्सन 5.0 देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी अच्छी तरीके से यहाँ पे काम करता है। लाइक आप लोगों ने एयरबड्स लगा रखे हैं और फोन किसी दूसरे वाले रूम पे रखा है तो यहाँ पे आप लोग को थोड़ी बहुत दिक्कतें हो सकती है कनेक्टिविटी से रिलेटेड। इसमें जो हाइपरसिंक टेक्नोलॉजी आप लोग को देखने को मिल जाती है, ये कुछ खास काम नहीं करता है, मतलब ऐसा नहीं है कि आप लोग इसके ढक्कन को जैसे ही ओपन करोगे ये आप लोग फ़ोन के साथ कनेक्ट हो जाएंगे, बट यहाँ पे आप लोग को काफ़ी फास्ट पेयरिंग देखने को मिल जाती है। लाइक आप लोग जैसे ही ढक्कन को इसको ओपन करते हो और इस एयरबड्स निकालते निकालते ये आप लोग के फ़ोन में कनेक्ट हो जाता है, तो कनेक्टिविटी फास्ट है बट उतना ज़्यादा मुझे कन्वीनियंट नहीं लगा। यहाँ पे मैं साउंड क्वालिटी की बात करूँ तो यहाँ पे आप लोग को 13 mm के ड्राइवर्स देखने को मिल जाते हैं, और साउंड क्वालिटी मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा काफ़ी मुझे पसंद आया इसका साउंड क्वालिटी। मीन्स यहाँ पे जो बेस ट्रैवल्स है काफ़ी अच्छी तरीके से मैनेज करे गए हैं, और बेस जो है वो थोड़ा सा नॉर्मल से थोड़ा सा ट्यूनअप ज़्यादा है, मतलब थोड़ा सा आप लोग को इसमें बेस ज़्यादा देखने को मिल जाता है, ऐसा नहीं कि आप लोग इसमें थम्पी बेस एकदम देखने को मिलेगा। सो बेस लवर्स के लिए ये उतना कुछ खास नहीं है, मतलब उनको थोड़ा लगेगा कि इसमें बेस वगैरह कम है। साउंड सप्रेशंस की यहाँ पे मैं अगर बात करूँ तो काफ़ी अच्छी तरीके से ये मैनेज करता है, हर एक इंस्ट्रूमेंटल आप लोगों को बिल्कुल सुनाई देता है, बट क्रिस्पिनेस जो होती है ऑडियो में वो मुझे यहाँ पे थोड़ी सी यहाँ पे कमी देखने को मिली, मतलब आप लोग अगर कोई हाई पिच वाले गाने सुन रहे हो तो उसमें जो पिच है वो उतनी अच्छी तरीके से आप लोग के एयरबड्स में नहीं आता, मतलब हाई पिच,
थोड़ा बेस के कारण यहाँ दबा दबा सा साउंड लगता है, और वोकल्स की बात करूँ तो बिल्कुल सही से आवाज़ आ जाते हैं यहाँ पे, और साउंड मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया इसका। मैंने काफ़ी ज़्यादा इसमें गाने वगैरह सुने, और मैंने लूसीफर का पूरा सीजन 6 इसमें देखा है, तो काफ़ी अच्छी तरीके से यहाँ पे ये काम कर जाता है। सो गाइस, यहाँ पे माइक्रोफोन क्वालिटी की यहाँ पे मैं अगर बात करूँ तो आप लोग को मैं अभी सैंपल सुनाने वाला हूँ, तो 3, 2, 1। हे गाइस, जो अभी आप लोग ऑडियो सुन रहे हो वो मेरे अभी नॉइस से वीएस रिकॉर्ड हो रही है, तो आप लोग को अंदाजा लग सकता है कि किस तरह से कॉल क्वालिटी रहती है। यहाँ पे मेरे अभी रूम में फैन चालू है, सो यस आप लोग अंदाजा लगा सकते हो किस तरह की कॉल क्वालिटी। टच कंट्रोल्स की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आप लोग को जैसे अगर गाना प्ले पॉज करना है तो आप लोग को सिंपली इसमें डबल टैप करना है, तो इससे आप लोग का गाना प्ले या फिर पॉज हो जाएगा। अगर आप लोग को गाना फॉरवर्ड या बैकवर्ड करना है तो फॉरवर्ड करने के लिए आप लोग को सिंपली राइट वाले ईयरबड पे थोड़ी देर होल्ड करके रखना है, सो आपका जो ट्रैक है वो नेक्स्ट वाले ट्रैक पे चल जाएगा। अगर आप लोग को प्रीवियस ट्रैक पे वापस जाना है तो फिर आप लोग को लेफ्ट वाले ईयरबड पे थोड़ी देर होल्ड करके रखना है, तो आप लोग प्रीवियस वाले ट्रैक पे आ जाओगे। सो यस, और इसमें आप लोग को ट्रिपल टैप अगर आप लोग करते हो तो आप लोग के फ़ोन के गूगल असिस्टेंट या फिर सीरी एक्टिवेट हो जाता है यहाँ पे, तो ये भी काफ़ी एक अच्छी चीज़ रहती है, काफ़ी सही तरीके से यह काम करता है। टच कंट्रोल्स की यहाँ पे मैं अगर बात करूँ तो 10 में से 8 या फिर 9 बार बिल्कुल सही तरीके से काम कर रहा था, एक दो बार थोड़ा बहुत यह मिस हो रहा था, सो इस चीज़ का भी ध्यान देना आप लोग। काफ़ी अच्छी तरीके से यहाँ पे टच कंट्रोल्स यहाँ इसके काम कर जाते हैं। एंड कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स की बात करें तो यहाँ पे आप लोग को AAC SBC का कोडेक देखने को मिल जा रहा है, अच्छी साउंड क्वालिटी प्रोवाइड करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। एंड इसमें आप लोग को IPX4 वाटरप्रूफ सर्टिफिकेशन देखने को मिल जाता है। अगर आप लोग इसे जिमिंग या फिर रनिंग वगैरह के लिए यूज़ कर रहे हो तो काफ़ी अच्छी सी रहती है, थोड़ा बहुत पसीना अगर होता है तो ये बिल्कुल झेल लेगा। एंड देन थोड़े बहुत अगर पानी गिर रहे हैं तो अगर आप लोग बारिश में भीग रहे हो तो बिल्कुल आपका सही तरीके से ये काम कर जाएगा, बिल्कुल ये ख़राब नहीं होंगे। बट आप लोग यहाँ पे पूल वगैरह में अगर लेके जाते हो तो यहाँ पे ख़राब होने के चांसेस रहते हैं। सो यहाँ पे मैं अगर एयरबड्स की फिटिंग की बात करूँ तो काफ़ी अच्छी तरीके से यहाँ पे फिटिंग होते हैं, और जब भी आप लोग इसको कान पे लगाते हो तो एक साउंड आता है कि रेडी फॉर कनेक्शन, तो इससे आप लोग को पता चल जाता है कि एयरबड्स ऑन हो चुके हैं, तो ये काफ़ी एक अच्छी चीज़ रहती है। तो आप लोग देख सकते हो कुछ इस तरीके से यहाँ पे फिटिंग आती है। अगर मैं यहाँ पे अपना सर हिला के दिखाऊँ तो बिल्कुल ये मेरे कानों से गिरते नहीं है। सो मैंने इसको पहन के रनिंग वगैरह करके देख लिया कि ये कान से गिरते हैं या फिर नहीं गिरते, तो मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा बिल्कुल सही तरीके से यहाँ कान में फिटिंग रहती है, बिल्कुल यहाँ पे कान से गिरते नहीं है, तो ये मुझे काफ़ी एक अच्छी चीज़ लगी। और फिटिंग की यहाँ पे मैं बात कर ही रहा हूँ तो कम्फर्टेबिलिटी की यहाँ पे बात करनी चाहिए, तो कम्फर्ट लेवल काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाता है। मतलब मैं इसे पहन के सारा दिन भी रह जाऊंगा ना तो मुझे पता नहीं चलेगा, काफ़ी अच्छी तरीके से यहाँ पे फिटिंग रहती है। एंड गाइस, यहाँ पे मैं बैटरी कैपेसिटी की अगर बात करूँ तो नॉइस क्लेम करता है कि इसमें आप लोगों को 24 घंटे का बैटरी बैकअप देखने को मिल जाता है पूरे केस के साथ, और एयरबड्स में 6 घंटे तक का आप लोगों को प्लेबैक देखने को मिल जाता है सिंगल चार्ज पे। तो मेरे टेस्टिंग के अकॉर्डिंग ये 24 घंटे तो नहीं चला था, बट 20 से 21 घंटे पूरा अच्छे तरीके से ये केस के साथ चल गया था। और यहाँ पे एयरबड्स की मैं अगर बात करूँ तो एयरबड्स मेरे यूजर्स के अकॉर्डिंग 5 से 5.5 घंटे तक का बैकअप दे पाए थे, तो ये भी काफ़ी एक अच्छे नंबर्स रहते हैं। यहाँ पे मैं फाइनल वर्डिक्ट की अगर बात करूँ तो प्राइस के अकॉर्डिंग मुझे काफ़ी ज़्यादा ये पसंद आए, 1799 रुपये के प्राइस के हिसाब से तो मुझे काफ़ी ज़्यादा ये पसंद आए। हालाँकि इसका प्राइस शायद से आप लोग को 2000 देखने को मिल जाएगा कुछ दिनों के बाद, अभी ये आप लोग को 1799 का देखने को मिल जाता है अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट दोनों के अंदर ही, तो आप लोग चाहो तो अमेज़ॉन या फिर फ्लिपकार्ट से ऑर्डर कर सकते हो, मैं दोनों का लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। एंड बट आप लोग को अगर स्टेम डिज़ाइन पसंद नहीं है तो आप लोग यहाँ पे ओप्पो एनको बर्ड्स की तरफ जा सकते हो, मैं शायद से उसको ऑर्डर करूँगा और आप लोग के साथ शेयर करूँगा मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहता है ओप्पो एनको बर्ड्स के साथ। फिलहाल के लिए तो आप लोग इसको कंसिडर कर सकते हो 1799 रुपये के प्राइस के हिसाब से, बट यहाँ पे आप लोग को और भी ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं, तो आप लोग और भी ऑप्शंस चेकआउट कर लेना, उसके बाद ही डिसीजन लेना कि आप लोग को ये परचेस करना है या फिर आप लोग को कोई और एयरबड्स परचेस करने हैं 1799 रुपये के प्राइस के अकॉर्डिंग। सो गाइस, फिलहाल इस वीडियो के लिए बस इतना ही था। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर हो तो यार सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा। अगर आप लोग 1000 रुपये के अंदर एक TWS खोज रहे हो जो कि टाइप सी चार्जिंग के साथ आया और 42 आवर्स तक का आप लोग को बैटरी बैकअप देखने को मिल जाएगा, तो आप लोग ये वाली वीडियो देख सकते हो, तो कुछ आप लोग को हेल्प मिल जाएगी। और फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, पीस।